वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो लास्ट वीडियोस आप क्लियर कर चुके होंगे। लास्ट वीडियो 6.1 SCF आपको मैंने समझाया था। SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स एंड अब आइए LCM। क्या है आपका LCM? तो LCM में आपका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है, इसमें हम हाईएस्ट कॉमन की तरह ही इसको यूज़ करते हैं। हाईएस्ट कॉमन में हम कॉमन डिजिट लेते हैं, इसमें क्या रहते हैं कॉमन डिजिट भी लेते हैं एंड जो और भी जो डिजिट बचते हैं लास्ट में उनको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं, मैं इसके बारे में समझा देता हूँ। लीस्ट कॉमन से बोलते हैं LCM। क्या बोलते हैं LCM? इसमें क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको कि SCF की तरह ही हम सॉल्व करते हैं, बट SCF में हम आपको कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, कॉमन डिजिट लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, फाइंड LCM ऑफ 6924। क्या है 6924? तो सबसे पहले हम 16 के प्राइम फैक्टर कर दें, 28 जो 24 जो एंड 22 जो 21 जो, यही होगा ना। तो क्या है 2 × 2 × 2 × 2 एंड 24 के फैक्टर्स करते हैं, किसके 24 के। तो 24 तो 2 तो क्या आया 24 का 2 × 2 × 2 × 3। ओके, तो मैंने क्या बताया, पहले SCF की तरह कॉमन कॉमन डिजिट लेंगे 2, ठीक है 2 2, ये क्या 2 एंड 3, ठीक है ये लिया। अब हमने देखो जो कॉमन थे ये पेयर बने थे, ये लिए, और उसके बाद जो बचता शेष उसमें से 2 एंड 3 दोनों ले लिए। तो क्या आएगा दोनों ये सभी की मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48। क्या है 48। तो LCM ऑफ 16 एंड 24 इज क्या है 48। समझे, समझाने के लिए बताया मैंने आपको, समझाने के लिए बताया है मैंने आपको। तो ये 48 आया। इस टाइप से ही आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे हम। अब देखते हैं, इसमें एक चीज़ समझा देता हूँ मैं। इसमें होता है डिवाइजन मेथड इस टाइप से, ये एग्जांपल दे रखा है। ये हो गया प्राइम फैक्टर्स के अनुसार, ये हो गया आपका जैसे कि अब 25 30 15, ठीक है। तो ये
ये वाला डिवाइजन मेथड होता है, एक साथ हम एलसीएम निकालेंगे। जैसे कि अब थ्री से टू से, फिर टू से स्टार्ट करो, टू से कोई टू से हुआ 25 नहीं डिवाइड होगा, 30 हो जाएगा, 15 एंड 50। ठीक है, थ्री से तो 25 नहीं होगा, 5 ज़ा 5 ज़ा, फिर फाइव से तो 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, फिर 5 से ला मतलब लास्ट में हम ला क्या लाना है, 1 लेके आना है, क्या लेके आना, 1 दिखाई दे रहा है, ये हो गया। तो एलसीएम ऑफ एलसीएम क्या आएगा, 2 × 3 × 5 × 5, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 30 × 3 = 15, 2 × 6 = 6, 6 × 5 = 30, 30 × 5 = 150, क्या आएगा, 150। ओके, ये एलसीएम हो गया। तो ये हो गया डिवीजन मेथड। तो एक्सरसाइज में यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ आपकी। एक्सरसाइज 6.2। ओके, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, अभी फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टर वाले जो फर्स्ट मैंने समझाया है, तो इसमें क्या है, 15, 21 एंड 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 15, 21 एंड 24। ठीक है, तो अब मैं आपको इस बराबर बताता हूँ कैसे करना है। इसमें आपको समझा दिया है, बट फिर भी तो प्राइम फैक्टर वाले मेथड से निकालना है। तो 15 को पहले लेते हैं, तो 15 टू से डिवाइड हुआ नहीं इसका, तो 3 5 ज़ा 1, क्या है, 3 × 5। ठीक है, अब क्या है, 21 को हम 3 7 और 7 7, 3 × 7 एंड 24 टू से टू ट्वेंटी फोर का क्या है आपका, 2 × 2 × 2 × 3, यही हुआ ना। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम में क्या है, जो कॉमन है, ये कॉमन है ना 3, उसके बाद और कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 × 2 × 2 एंड क्या बचता है, 5 × 7 5 × 7, यही है ना, और कुछ है, और कुछ नहीं है। तो 3 × 2 = 6 6 × 2 = 12 70, 2 × 5 = 10 10 7 = 70, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 12 7 = 84 840। एलसीएम क्या आया, 840। समझे कैसे करना है, मैं अभी आपको बताया, मैंने बार बार बता रहा हूँ। स्टेप से मैंने क्या बताया, जो कॉमन है उसको भी लिखते हैं इसमें, जो कॉमन है नहीं है उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं।
थ्री कॉमन था, थ्री निकली और फिर कोई कॉमन नहीं था, टू टू फाइव सेवन क्या है, 840। ठीक है, तो इसी टाइप से ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये नोट कर लो। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर टू, टू का ए, इसमें क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। फर्स्ट है ये, टू जीरो थ्री, थ्री टू नाइन एंड थ्री सेवन वन। तो देखते हैं किससे डिवाइड होता है ना, तो देखो किससे, टू से तो हुआ नहीं, थ्री से भी नहीं होगा, सेवन फाइव से नहीं होगा, सेवन से होगा, सेवन टू जा फोर्टीन, फोर्टीन सिक्स हुआ सिक्स थ्री, सेवन टू जा फोर्टीन सिक्स, सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री, और सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, सेवन सेवन जा सेवन, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, और से थर्टी फाइव, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन। ठीक है, ये किसी से नहीं घटाएंगे, सी से देख रहे हैं, वन फोर्टी सेवन फिफ्टी थ्री, फोर्टी सेवन वन फिफ्टी थ्री, ये फिफ्टी थ्री, वन वन वन, तो क्या आ गया, सेवन मल्टीप्लाई ट्वेंटी नाइन मल्टीप्लाई फोर्टी सेवन मल्टीप्लाई फिफ्टी थ्री। इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम एलसीएम देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, एक सेकेंड, सर सेवन सेवन होगा ट्वेंटी नाइन में, सेवन का है ट्वेंटी नाइन में, तो सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री, ट्वेंटी नाइन मल्टीप्लाई सेवन टू हंड्रेड मल्टीप्लाई फोर्टी सेवन मल्टीप्लाई फिफ्टी थ्री, क्या ये टू थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी वन। टू फोर नाइन वन मल्टीप्लाई टू जीरो थ्री, क्या आ गया ये, फाइव जीरो फाइव सिक्स सेवन थ्री, ये अच्छे नजर आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से इनको भी नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गए, ये नोट करने के बाद सेल्फ सॉल्व कर लेना, ये मैंने आपको समझा दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश, ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेना, जो भी प्रॉब्लम है मेरे को कमेंट बैक कर देना, या आपके पेरेंट्स, मैं आपको पहले भी हो रहा है, आपके पेरेंट्स हों या अलग ब्रदर्स या सिस्टर हो, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज से मिलता हूँ।